पहले दो मैचों में भारत की बल्लेबाजी बेहद ही चिंता का विषय थी और इसका मुख्य कारण शायद यही था कि सूर्य कुमार यादव अपने रंग में नहीं दिख रहे थे। लेकिन तीसरे T20 मैच में स्काई ने ऊंची छलांग लगाई और मैच में आते ही दो बॉलों पे एक चौका और छक्का लगाकर अपना इरादा साफ तौर पे दिखा दिया। हालांकि इस मैच में भी भारत की शुरुआत काफी निराशाजनक रही और जायसवाल बहुत जल्द ही पहले ही ओवर में आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। इसके बाद सुमन गिल भी कुछ खास नहीं कर सके और वो भी जल्दी ही आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। इसके बाद आए तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाजों ने सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की, ऐसे देख के ये लग रहा था कि ये मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच नहीं हो रही है, ये मुंबई इंडियंस और वेस्ट इंडीज के बीच में हो रही है। क्योंकि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले ये दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को जीत दिलाने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा।